हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.3 और उसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू 1-4-3, बी इज इक्वल टू -1-2-1, देन वेरीफाई दैट ए बी होल डेज इज इक्वल टू बी डेज इनटू ए डेज। स्टूडेंट्स, आपको करना है क्या है कि अगर आप ए बी का अगर होल डेज निकालते हो तो बी डेज और ए डेज के क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल होना चाहिए। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग ए बी को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग ए बी को फाइंड करेंगे फिर उसका लेंगे हम लोग होल डेज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ए बी को फाइंड करते हैं, तो ए इंटू क्या करना है, हम लोगों को बी करना है। देखो पहले कौन है स्टूडेंट्स, ए, तो आप ए को राइट कर लीजिए। ए क्या हो जाएगा, 1-4, और कौन है स्टूडेंट्स, 3। ठीक है, इंटू में कौन है स्टूडेंट्स, बी, तो आप बी को राइट करिए। बी कितना है स्टूडेंट्स, -1, -1, 2 और 1। अब करना है क्या स्टूडेंट्स, देखिए ये जो कॉलम्स हैं 1, 2 और 3 कॉलम्स है, ठीक है, तो इन तीनों कॉलम्स का, अब स्टूडेंट्स को लगता नहीं कि यहां पर 3 कॉलम्स है, पर देखो स्टूडेंट्स ऐसे जो होगा उसको हम लोग क्या काउंट करते हैं, कॉलम। तो 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, और रो की बात करें स्टूडेंट्स तो एक ही रो है, और इसमें रो की बात करें तो 1, 2 और 3, इसमें रो कितनी स्टूडेंट्स, 3 है, और कॉलम कितना है, 1 है। तो इधर के तीनों कॉलम का इन तीनों रो में क्या करना है, आपको इनटू करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, पहला कॉलम को है -1, तो -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू 4 4 स्टूडेंट्स, -1 इंटू 3 स्टूडेंट्स -3। अब किसका टर्म है स्टूडेंट्स, सेकंड कॉलम का, ये भी तीनों रो में मूव होगा स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 1 स्टूडेंट्स 2, 2 इंटू -4 स्टूडेंट्स -8, 2 इंटू 3 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 6। अब स्टूडेंट्स थर्ड कॉलम का, तो 1 का 1 इंटू 1 1 1 इंटू -4 -4 1 इंटू 3 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 3। इसको हम लोग क्या दे देंगे, सॉरी ये क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, हमारे पास ए बी आ चुका है, पर हमको क्या चाहिए, ए बी होल डेज, यानी इसका क्या चाहिए हम लोग, ओ को ट्रांसपोज चाहिए। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी होल डेज। अब स्टूडेंट्स ट्रांसपोज में आपको पता है जो भी आपके पास रो होगी वो किसमें चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स, कॉलम में, और कॉलम किसमें चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, रो में। देखो जैसे हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, क्या बन जाएगा, -1, 4 और 3, ये क्या था स्टूडेंट्स, कॉलम, अब क्या बन चुका है, रो। अब ये देखो स्टूडेंट्स कितना है, 2 -8, और ये क्या हो जाएगा, 6। अब ये वाला कॉलम में स्टूडेंट्स 1 -4 और 3, तो ये जो आपके पास ए बी होल डेज आप लोगों ने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब आप पहले बीडेश मतलब एडेश बीडेश निकाल लीजिए, और अब हम बीडेश इनटू एडेश करेंगे तो वो भी यही आना चाहिए, तो इससे प्रूव हो जाएगा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग बात करें एडेश की, तो एडेश क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ए है, अब इसका हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये कॉलम है तो किसमें चेंज हो जाएगा, रो में, 1-4 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको क्या चाहिए, बीडेश चाहिए, तो बीडेश यानी बी का क्या लेना है आपको, ट्रांसपोज लेना है। ये कौन है स्टूडेंट्स, बी है, इसमें क्या थी, रो थी, तब ये किसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम में, -1, 2 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको आरएचएस में अगर हम देखें तो क्या करना है स्टूडेंट्स, बीडेश इंटू एडेश करना है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बीडेश इंटू एडेश को देखते हैं, तो बीडेश स्टूडेंट्स ये आपके पास बीडेश, बीडेश कितना आपके पास, -1, 2 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू में कौन है, एडेश, तो एडेश कौन है आपके पास स्टूडेंट, 1-4 और 3। बहुत ही आसान है। अब इधर के जो तीन कॉलम है उनका इन तीनों रो में क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटू होगा। देखो होगा क्या, ये जो वन है ना, वन ये तीनों रो में मूव होगा स्टूडेंट्स, तो 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 स्टूडेंट्स 2, 1 इंटू 1 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 1। अब स्टूडेंट्स ये कौन है, -4, ये भी तीनों रो में क्या होगा, मूव होगा स्टूडेंट्स, तो -4 इंटू -1 -1 +4, -4 इंटू 2 स्टूडेंट्स -8, -4 इंटू 1 स्टूडेंट्स -4। अब ये 3 स्टूडेंट्स, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 स्टूडेंट्स 6, 3 इंटू 1 3, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो स्टूडेंट्स बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये किसकी वैल्यू थी स्टूडेंट्स, ये ए बी होल डेज की वैल्यू थी, और ये कौन आपके पास, बीडेश इंटू एडेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी होल डेज, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, ये आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ये हमारा सोचना होता है कि ये इजी है ये टफ है, अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को आसान ही लगेगी। अगर हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की, सॉरी ये 5 का फर्स्ट था स्टूडेंट्स, तो
फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो चुका है कंप्लीट। अगर हम लोग 5 के सेकंड की बात करें स्टूडेंट्स तो सेम प्रॉब्लम है, उसमें भी क्या करना है आप लोगों को स्टूडेंट्स वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है स्टूडेंट्स, ए बी होल डेज इज इक्वल टू बी डेज इनटू ए डेज, जबकि जो सेकंड वन है स्टूडेंट्स वो ये है ए इज इक्वल टू 012 और स्टूडेंट्स बी इज इक्वल टू जो आपको दिया है वो दिया है 1, 5 और 7। ठीक है स्टूडेंट्स 1, 5 और 7 इसमें भी आपको वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स, वेरीफाई करना है आपको ए बी होल डेज इज इक्वल टू बी डेज इनटू ए डेज। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया है अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो वो इस क्वेश्चन में आप लोग क्लियर कर लें। तो देखो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन में हम लोग क्या राइट करेंगे गिवन मैट्रिसेस, ये वाला ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये वाला बी मैट्रिक्स है। हम क्या करेंगे ए बी होल डेज निकाल लेते हैं फिर बी डेज इनटू ए डेज करेंगे तो दोनों आपस में क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लोग ए बी फाइंड कर लेते हैं, तो ए बी यानी ए में किसका इंटू करना है स्टूडेंट्स बी का। तो ए बी की बात करें तो ए कौन है स्टूडेंट्स 0, 1 और 2 ठीक है स्टूडेंट्स इंटू बी, बी कौन है हमारे पास 1, 5 और 7। अब ये जो 3 कॉलम्स है ये इन तीनों रो में मूव होंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 1 की तो 1 into 0, 0, 1 into 1, 1, 1 into 2, 2 ठीक है स्टूडेंट्स। अब किसका टर्म है 5 का, 5 into 0, 0, 5 into 1, 5, 5 into 2, 10। अब किसका टर्म है स्टूडेंट 7 का, 7 into 0, 0, 7 into 1, 7, 7 into 2, 14। तो कुछ डिफिकल्टी क्या स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। तो ये आपको क्या मिल चुका है स्टूडेंट्स ए बी मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे एडेश बीडेश निकालेंगे और बीडेश इंटू एडेश करेंगे। तो ये तो आपके पास क्या है स्टूडेंट्स पहले सॉरी ए बी आया है पर आपको इसका क्या चाहिए होल ट्रांसपोज चाहिए। हम क्या करेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, जैसे स्टूडेंट्स हम लोग इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा जितनी भी रो है वो किसमें चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स कॉलम में और कॉलम किसमें चेंज हो जाएंगे रो में। तो देखो ये क्या आपके पास कॉलम तो क्या बन जाएगा रो 0, 1 और 2। ये क्या स्टूडेंट्स कॉलम क्या बन जाएगा 0, 5 और 10। ये क्या स्टूडेंट्स कॉलम क्या बन जाएगा रो 0, 7 और 14 ठीक है स्टूडेंट्स। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे फर्स्ट। तो हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स ए बी होल डेज को फाइंड कर लिया है। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स बी डेज इनटू ए डेज चाहिए तो उसके लिए पहले मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, वापस से यही कहूंगा स्टूडेंट्स कि आप वीडियो को पॉज करें और सारी चीजें अच्छे से नोट कर लें। अगर हम लोग बात करें पहले एडेश निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, एडेश यानी हम लोग ए का क्या ले रहे हैं ट्रांसपोज। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या था कॉलम था क्या बन चुका है 0, 1 और 2 ठीक है स्टूडेंट्स। मैं बीडेश निकाल लेता हूं तो बीडेश यानी ये कौन है आपके पास बी, ये क्या है रो है ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉलम में 1, 5 और 7 ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास एडेश बीडेश आ चुका है पर मुझे क्या चाहिए बीडेश इंटू एडेश चाहिए। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स बीडेश इंटू एडेश करूंगा, बहुत ही आसान है बीडेश, बीडेश की वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे पास 1, 5 और 7 ठीक है स्टूडेंट्स। इंटू कौन है एडेश, एडेश में वैल्यू आपके पास 0, 1 और 2 ठीक है स्टूडेंट्स 0, 1 और 2। अब ये सबसे पहले कौन है स्टूडेंट्स जीरो मूव करेगा, 0, 1 के पास 0, 0 into 5, 0, 0 into 7, 0 ठीक है स्टूडेंट्स। अब कौन स्टूडेंट्स 1, 1 into 1, 1, 1 into 5, 5, 1 into 7, 7 ठीक है स्टूडेंट्स। 2, 2 into 1 students 2, 2 into 5, 10, 2 into 7 students कितना हो जाएगा 14। इसको क्या दे देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट्स बाय क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर ये जो 5 वाला कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो आपके पास एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वेरीफाई दैट एडेश इनटू ए इज इक्वल टू आई। ये 6 का फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ये ए है और आपको वेरीफाई करना है कि एडेश इनटू ए अगर हम करते हैं तो वो आई के इक्वल है। देखो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे सबसे पहले एडेश को फाइंड कर लेंगे और उसके साथ ए का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम क्या करेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, क्या फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसपोज। जैसे हम लोग ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये जो रो थी सॉरी कॉलम था ये किसमें चेंज हो चुका है स्टूडेंट्स हमारे पास रो में, और ये जो कॉलम है ये भी किसमें चेंज हो चुका है स्टूडेंट्स कॉलम में, तो साइन सॉरी कॉलम जो है वो रो में चेंज हो चुका है। अब आपके पास ए बी है और एडेश भी है, हमको प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स एडेश इनटू ए इज इक्वल टू आई। तब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स एडेश इनटू ए
ठीक है। तो एडिश, एडिश की वैल्यू ये रही हमारे पास स्टूडेंट्स, क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा स्टूडेंट्स माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास एडिश की। इसके साथ इनटू किसका करना है स्टूडेंट्स, ए का, ये रहा हमारे पास ए स्टूडेंट्स, क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और स्टूडेंट्स साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमको करना क्या है, ये जो हमारे पास कॉलम है इसका हमको इस रो में और इस रो में भी इंटू करना है, ये जो कॉलम है इसका भी इन दोनों रो में हमको क्या करना है इंटू करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसकी बात करें, देखो क्या बनेगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर स्टूडेंट्स ये यहां आएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये स्टूडेंट्स यहां पर आएगा तो देखो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, साइन अल्फा इंटू में कौन आएगा आपके पास कॉस अल्फा, अब ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसका टर्म है स्टूडेंट्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, तो देखो ये इसके पास आएगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और ये यहां आएगा स्टूडेंट्स, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब स्टूडेंट्स यही कॉलम जो है इधर भी मूव होगा, तो देखो स्टूडेंट्स साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर अल्फा। फिर प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब स्टूडेंट्स उसके बाद मैं यहां राइट कर देता हूं, अब देखो ये कौन है साइन स्क्वायर अल्फा और ये कौन है कॉस स्क्वायर अल्फा, एक आइडेंटिटी याद होगी स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, तो ये तो कितना हो चुका है स्टूडेंट्स आपके पास वन। और ये देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा कैसा है नेगेटिव, दोनों से दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर जीरो। ये देखो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आएगी जीरो। ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो चुका है स्टूडेंट्स वन, और आपको पता है ये वन जीरो जीरो वन क्या बन चुका है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आपके पास एडिश इज इक्वल टू ए कितना आ चुका है स्टूडेंट्स आई। तो बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स का ही सेकंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन सिक्स का जो सेकंड प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स वो ये है, ए इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन वेरीफाई दैट एडिश इनटू ए इज इक्वल टू आई। मतलब जो हमने फर्स्ट वाला प्रॉब्लम किया था सेम एज इट इज है, बस यहाँ पर जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के उनको क्या कर दिया गया है स्टूडेंट्स चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट्स, एडिश की, हम लोग एडिश को फाइंड कर लेते हैं। तो एडिश जो बनेगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कॉलम में, तो ये क्या बन जाएगा रो बन जाएगा साइन अल्फा और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस कॉस अल्फा, ये क्या है स्टूडेंट्स कॉलम है तो क्या बन जाएगा रो बन जाएगा कॉस अल्फा और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको करना क्या है, अब आपको एडिश इंटू ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है आई, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स एडिश में इंटू कर देता हूँ किसका ए का। तो देखो स्टूडेंट्स एडिश, तो एडिश अभी आपने फाइंड किया है कितना स्टूडेंट्स साइन अल्फा कॉस अल्फा स्टूडेंट्स माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये क्या है स्टूडेंट्स आपके पास एडिश, और ए कौन है स्टूडेंट्स ये आपके पास ए स्टूडेंट्स आपके पास साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस अल्फा और कितना स्टूडेंट्स साइन अल्फा। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, क्या करना है आप लोगों को इंटू करना है, इंटू करना आता होगा, ये कॉलम इस रो में भी मूव होगा इसमें भी मूव होगा, ये कॉलम इस रो में और इन दोनों रो में क्या होगा स्टूडेंट्स मूव होगा। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर अल्फा, अब स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यही वाला कॉलम इस रो में भी मूव होगा स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स कौन है आपके पास कॉस अल्फा इंटू में कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन अल्फा, अब स्टूडेंट्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस कॉलम का टर्म तो देखो ये कौन है साइन अल्फा इंटू क्या बनेगा स्टूडेंट्स कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस माइनस स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा माइनस और क्या आएगा स्टूडेंट्स कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यही कॉलम इधर भी मूव होगा स्टूडेंट्स, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये स्टूडेंट्स प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग मैं इसके बाद यहां पर ऐड कर देता हूं वापस से, तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स वन, ये कितना बन चुका है वन स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट वैल्यू कितनी हो गई जीरो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट वैल्यू कितनी हो गई जीरो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया स्टूडेंट्स
वन, और ये क्या बन चुका है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने इस वीडियो में 5 और 6 क्वेश्चन को ही सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 7 है वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो 7, 8, 9 को हम लोग 2-3 क्वेश्चन को एक साथ ले लेंगे। आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। बस आपका एम होना चाहिए कि मुझे करना है और 100% मार्क्स मैथमेटिक्स में गेन करना ही है आपको। मतलब अच्छे से स्टूडेंट्स 100 मार्क्स गेन हो जाएंगे, पर यही है कि आप लोगों को अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करना है, उसको डिसब्रेक बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब आप लोगों को स्टडी को रोकना नहीं है, कंटिन्यू आप अपना एक टाइम बनाइए कि मेरे को पर डे 1 आवर या 1.5 आवर या 2 आवर्स पर डे मैथ्स पढ़ना है, तो आपको पढ़ना ही है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।